100 रु अधिक सांबादिक माने वर्तमान रोड रैली करी किभळी भाबे प्रशासन को प्रतिवाद करचंदी किभळी भाबे जणे गणमाध्यम प्रतिनिधि को जदि सठिक खबर परिवेषण करिया रे किभळी भाबे सेमानंकु आकाश आक्रोशमूल भाबे प्रशासन अधिकारी होवंदु किमा से आईन बा आईन अधिकारी होवंदु किभळी भाबे सेमानंकु अन्याय करि आसचंदी तहार एक चित्र हम सामना को आसले परे परे वर्तमान मालकानगिरी जिल्ला रे तीनोटी स्टेट रो समस्त सांबादिक माने एकत्रित होइचंदी एवं एकत्रित होई सेमाने से कथा को प्रतिवाद करि आसचंदी आम सांगरे अनेक सांबादिक माने जो मानकर आम सीधा सड़क प्रतिक्रिया नहीं रखा बर्तन कौन कह आज्ञा क्या बोलेंगे अगर जो पुलिस का ऐसे जो भी चल रहा है क्या क्या कैसे देखेंगे? अभी हमारा जो पांच जो मेंबर है अभी अरेस्ट हो गए, उसे तुरंत छोड़ने के लिए हमारा दावी है और अपना जो 5 डॉक्टर के लिए हम लोग जो केस किए हैं उसको तुरंत अरेस्ट करना पड़ेगा। उसको आप देख रहे हैं कि जो डॉक्टर लोग जो थे उनके लिए उनके बारे में रजिस्टर जो भी केस रजिस्टर हुआ है उसके लिए पुलिस आज तक कोई भी स्टेप नहीं लिया है कि फाइल रजिस्टर फाइल भी नहीं किया है। तो हमारा जो भी जर्नलिस्ट थे जो भी पांच लोग जो भी हमारे जो पत्रकारिता कर रहे थे उनको बिना वारंटी के अंदर कर दिए, उसके लिए क्या बोलेंगे? नहीं, वो तो इनका गलती है, उनका इंक्वायरी के बाद ही उसको अरेस्ट करना चाहिए था लेकिन उसको गलती से अरेस्ट कर लिया है। अभी वो तुरंत जो हम लोग को काउंटर केस दिया है वो जो डॉक्टर के लिए, वही डॉक्टर लोग को तुरंत अरेस्ट करके उसका अंदर घुसाना चाहिए। उसको देखु कि डॉक्टर मान जेहेतु फाइल कराइला काउंटर फाइल कराइला काउंटर फाइल करा पर भी पुलिस से कौन प्रतिक्रिया रखनी कि से कौन तदंत भी करनी, किंतु जितेबाला आम सांबादिक भाई मैंने सठिक खबर परेषण करते सठिक खबर नहीं परेषण करने समय से बिना कौन वारंटे कि बिना कौन नोटिस से घर जाए उठा जाता जमी जे माओवादी को उठा जाए से भाव राति दुटार से उठा जाता तो चलता अंत कि आम सांबादिक भाई मैंने अच्छे प्रतिक्रिया नहीं रखा कि दीर्घ 4 दिन परे भी पुलिस कहीं चुप रही एवं कहीं पुलिस कौन प्रकार पदक्षेप नहीं ना पुलिस रही पुलिस हूँ कि प्रशासनिक अधिकारी हूँ कहीं जिनस सबुब हैराण कर जितेबले कि निज आक्रोशमूल भाव में जितेबाला आम सठिक खबर परेषण करु से ही समय से कहीं भाव आक्रोशमूल भाव में सांबादिक खपा होती से कार्यानुषान ग्रहण कर तार नहीं एक सम्मेलन जिते आर तक आम पचारि बुझा जिंदाबाद। आप क्या बोलेंगे? जो हमारे जो पांच जो जो पत्रकारिता के विभाग के जो भी लोग पुलिस के अंदर है लेकिन जो भी डॉक्टर के लिए हम जो फाइल किए थे केस फाइल किए थे अभी तक पुलिस इस बारे में कोई भी स्टेप नहीं लिया। देखिए यहाँ पर जो पत्रकार होते हैं वो समाज का आईना होते हैं, हम भी जो हमेशा जो है जिस अस्पताल का रिपोर्टिंग हो रहा था तो कहीं ना कहीं वो लोगों की समस्या को सामने रख रहे थे। यह पुलिस प्रशासन का ये और जिला प्रशासन का ये साजिश है, वो नहीं चाहते कि जो उनका भ्रष्टाचार है जो उनकी लापरवाही है वो सबके सामने आए। तो ये मनमानी कर रही है पुलिस, मनमानी कर रही है, कानून व्यवस्था में पुलिस दखल दे रही है। आज हमारे 5 साथी अंदर है, जब तक ये नहीं छोड़ेंगी ये आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन की ये मनमानी नहीं चलेगी और उड़ीसा सरकार को होश माना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि वो क्या कर रही है। ये तानाशाही रवैया है, इसको सुधार आना चाहिए और हमारे 5 साथी को जल्द जल्द प्रशासन छोड़े तभी आंदोलन समाप्त होगा। आप लोग वहाँ पे कितने लोग आए हैं जो भी इसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं? अभी हम लोग जो है सुकमा जिले से और पूरे बस्तर संभाग से काफी लोग आए हैं। अगर 5 साथी हमारे नहीं छोड़े तो आने वाले दिनों में उग्र आंदोलन होगा और उड़ीसा में नहीं पूरे छत्तीसगढ़ में भी आंदोलन होगा और हमारे साथी छुड़ाने के लिए हम लोग कुछ भी और किसी भी हद पर जा सकते हैं। आपको लग रहा है कि जो भी हमारा जो पत्रकारिता जो भी कर रहे थे वो कुछ गलत सलाह दिखा रहे थे कि कोई गलत था उसके लिए? कोई गलत नहीं दिखा रहे थे। अगर आप सही हैं तो आप अपना पक्ष रखें ना, आप जनता के सामने अपना पक्ष रखें। आप खुद जाकर देखें कि अस्पताल में क्या चीजें चल रही है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है। हमारे जो जितने भी पत्रकार हैं वो कोई गलत नहीं कर रहे थे, वो समस्या को सामने रख रहे थे। वो आपका काम है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप व्यवस्था को दुरुस्त करें, वो आपकी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम चीजों को जनता के सामने रख रहे हैं, हम जनता के नौकर हैं, हम आपके नौकर नहीं है, आप हमारे नौकर हो। तो हमारे पत्रकार कोई गलत काम नहीं कर रहे थे, वो सही काम कर रहे थे। आप गलत काम कर रहे हो, आप तानाशाही रवैया अपना रहे हो, आप प्रशासन आप कानून अपने हाथ में ले रहे हो, ये आपको अधिकार किसने दिया है? हम पत्रकार हैं, हमारा काम है समस्या को जनता के सामने रखना, समस्या को सरकार के सामने रखना, समस्या को प्रशासन के सामने रखना। जो हम अपना काम कर रहे थे, आप अपना काम नहीं करके आप तानाशाही रवैया अपना रहे हो।
जमी आप देखुले कि समस्त जिलार जिते भी जो स्टेट समस्त आनोट स्टेट सांबादिक मैंने एकत्रित होने भी आम पत्रकारिता जो पांच भाई मैंने पत्रकारिता कर थाना भितर बर्तमान कैद अच्छा से सपोर्ट में ही ठिया होती कहते कि प्रशासन किभली भाव से प्रति न्याय दब जिते शीघ्र से न्याय देवे से शीघ्र यही धारणा को ओहरिए समस्ते नचे आगामी दिन में शताधिक सांबादिक बंधु मैंने आसी आम सहित जोगदेव आम सहित से पांच जन सांबादिकों पर प्रोटेस्ट करेंगे। मालकानगिरी स्मृतिरंजन नायक रिपोर्ट अर्गस न्यूज।